है विकी, तो जानती है ना, कोरोना किसी की भलाई करी या ना करी, लेकिन कुछ गद्दे बच्चे को किस्मत को ही बदल डाली। अरे वो ही तो, सारे गद्दे बच्चे ना इस कोरोना की वजह से पास हो गए और मार्क को वो परसेंटेज बोल रहे हैं, मैं 500% ला के पास हुई हूँ। ओए गद्दे किसको बोला? तुझे नहीं, तुझे पास कराने वाले वही करीना को बोल रही हूँ। पता नहीं ये करोना कब जाएगा और हम कब स्कूल जाएंगे, वो कभी नहीं जाएगा। क्यों? अरे तू तो जानता है ना, करोना जाते जाते रुक गया। पूछो वो कैसे? कैसे? ये सारे गद्दे बच्चे भगवान जी को दुआ मांगने लगे, हे भगवान हमारे जो करोना को सही सलामत रखिए, हमारे एग्जाम के दौरान उसे थोड़ा भेज दीजिए हमारे मदद करने के लिए। तो वो क्या करेंगे? भगवान जी तो नन्हे बच्चे की बात सुनते ही ना। अच्छा इसलिए वो रूप बदल के आए हैं, बच्चों को हिफाजत देने के लिए वो डेल्टा के रूप में आ गई। क्या करी? देख चिकी, वहाँ वो गद्दा डेल्टा के साथ बात कर रही है। डेल्टा जी प्रणाम, आप हमें इस बार भी एग्जाम से बचाएंगे ना, अच्छे खासे मार्क दिलवाएंगे ना? तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम सब गद्दे बच्चे की रक्षा कवच बन के आया हूँ और तुम सबको रक्षा करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अरे हे 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 चिकी मिकी, जाओ जाओ जाओ, पढ़ाई करो, हम तो पास हो गए और तुमसे अच्छा मार्क लेके ही पास करेंगे, जाओ जाओ जाओ। अरे ओ डेल्टा, ओ डेल्टा, तू कितने दिन टिकेगी? हाँ जब करना टिक नहीं पाई तू कितने दिन टिकेगी? हाँ जरूर तो कुछ मुसीबत लाएगी, क्यों तुम्हारा ये तो काम है कुछ मुसीबत लाना, लेकिन तुम्हारी मुसीबत के हल भी हमारे पास है। हमारी सरकार जो है ना कोई वैक्सीन तो ले आएंगे और तुम कितने दिन तक ये जो गद्दे बच्चे की रक्षा कवच बन के घूमे फिरोगे रे मूर्ख। सुन डेल्टा, अगर तेरी किस्मत अच्छा है ना तो कोई वैक्सीन निकलने से पहले ही चला जा, नहीं तो तेरा खैर नहीं। और हमें स्कूल जाने दे, नहीं तो वैक्सीन निकलने के बाद तू मर के ही जाएगा। चल चिकी। सुनो चिकी मिकी, जब तक लोग सावधानी नहीं परखेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। हाँ लोग खुलेआम बाजार में घूमते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, हाँ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, दूरियां मेंटेन नहीं करने से मैं कभी नहीं जाऊंगा बेटा, यहाँ ही रहूंगा और तुम्हारे स्कूल तो गए भाड़ में, कभी खुलेगा ही नहीं।